तो हेलो हाय दोस्तों, हिमालय की वादियों से आपका स्वागत करता हूँ। इस प्रस्तुति में आपको मानसून के कुछ ऐसे अंश देखने को मिलेंगे जो कि उत्तराखंड के एक सुदूर भाग में बिताए गए हैं। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको ये प्रस्तुति जरूर पसंद आएगी। आपसे अनुरोध है कि धैर्य के साथ में मेरी ये प्रस्तुति पूरी देखिए। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे हिमालय की निम्न श्रेणी की पर्वत चोटियां हैं, पीछे हिमल नदी बहती हुई बट कलकल की आवाज ना करते हुए रौद्र रूप में बहती हुई। पहाड़ों में आप देखेंगे कि कोहरा या जिसको धुंध भी बोलते हैं, यहाँ कुयाड़ा भी बोलते हैं, उसकी छटा हल्की चोटियों के ऊपर बिखरी हुई है। रिमझिम बारिश पड़ रही है, सावन महीना है, तो कुल मिला के पहाड़ों का आनंदमय जो है समय हम व्यतीत कर रहे हैं। ना गाड़ियों का शोर शराबा, ना कोई पोल्यूशन और ना ही कोई जल्दबाजी कहीं पहुंचने की या फिर कुछ छूटने की। ऐसे सुकून के पलों को जीने के लिए मैं पहुंचा सुदूर हिमालय के उत्तराखंड में स्थित अपने गांव में। गांव में अभी भी वही सन्नाटा था, वही मानसिक शांति थी और वही शारीरिक स्फूर्ति थी। बरसात का मौसम होने के कारण चारों तरफ एक मखमली हरी घास की चादर फैली हुई थी। मुझे तो अपने अंदर बहुत सारी तब्दीलियां नजर आ रही थी, परंतु शायद गांव भी वैसे का वैसे ही था। वही प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और शायद इन पलों को जीने के लिए ही तो मैं यहां आया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आइए आप भी मेरे साथ में आत्मसात कीजिए प्रकृति के साथ बिताए हुए कुछ सुकून भरे पल। अगर आप धैर्य के साथ बिना स्क्रिप्ट किए हुए ये वीडियो देखेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे प्रकृति के संगीत को। मैं आपको महसूस कराऊंगा कलकल करके बहते हुए झरनों की ध्वनि को और चिड़ियों की चहचहाट को और प्रकृति के नैसर्गिक रूप के दर्शन कराऊंगा। ये है चीड़ का पेड़। अगर आप गर्मियों में इसके पास से गुजरेंगे तो ये आपको साए साए की आवाज़ करता हुआ नजर आएगा, परंतु अभी ये कितना शांत है। कोहरे की चादर में लिपटी हुई वादियाँ, कितनी शांति है यहाँ। दोस्तों, आपको भी अपने जीवन की व्यस्तता से कुछ समय निकाल कर किसी एकांत जगह पे ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पे आप अपनी आवाज़ और प्रकृति की आवाज़ को सुन पाए। थोड़ी ही देर में पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है और पूरा पहाड़ रात के आगोश में सो जाता है। दोस्तों, अगर आपके दिल तक मेरे द्वारा व्यक्त की हुई भावनाएं पहुंचती हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ सदा के लिए जुड़े रहेंगे। पहाड़ों का सवेरा एक नई स्फूर्ति लेकर उगा, परंतु आज किसको जल्दी थी। मैं तो प्रकृति के साथ यहाँ घुलने मिलने और कुछ समय व्यतीत करने आया हूँ। ना ही आज मुझे कोई ऑफिस जाने की जल्दी थी, ना ही मुझे कोई काम छूटने का डर था, तो मैं फिर निकल पड़ा प्रकृति के साथ में और समय व्यतीत करने के लिए।
पेट पूजा के लिए मैंने अपने आंगन में लगे हुए कुछ फल तोड़े। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने इस नाशपाती के पेड़ को लगाया था। मैंने अपना कैमरा उठाया, ट्राइपॉड रखा और एक टॉवल लेके निकल पड़ा नदी की तरफ। आज जैसा कि मौसम साफ था तो उम्मीद थी कि नदी का पानी बिल्कुल साफ होगा और उसका फ्लो भी कम होगा। कलकल करके बहती हुई इस नदी का नाम है हिवल, जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है और ऋषिकेश में गंगा के साथ में कॉन्फ्लुएंस करती है। जैसा कि हिमालय की नदियों की खासियत होती है, इसका पानी बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है और आप इसकी तलहटी में बिछे हुए पत्थरों को भी साफ साफ देख सकते हैं। आप देख पाएंगे प्राकृतिक परिवेश में नन्ही नन्ही मछलियाँ पानी की धारा के साथ में इधर से उधर तैर रही हैं। ये सब देख के मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। थोड़ी देर तक नदी में इस ओर से उस ओर विचरण करके और पुरानी यादों को ताज़ा करके अब समय आ गया था एक अच्छी सी जगह देखकर डुबकी लगाने का। जैसा कि हर बार होता है, पहली डुबकी लगाना ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। हिवल नदी का पानी मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इस समय में भी बहुत ठंडा था। सच बोलूं तो इस बार मुझे झटका सा लग गया, परंतु फिर उसके बाद एक के बाद एक डुबकी के दौड़ चलते रहे। जैसा कि मैंने बताया था, हिमालय की नदियों की खासियत है कि आप पानी के अंदर आंखें खोलेंगे तो आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। मतलब हिमालय में रहने वाले लोगों के लिए तो यही स्कूबा डाइविंग की फैसिलिटी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, ये है हमारा नदी के पास ही स्थित एक छोटा सा पानी का जल स्रोत। यहाँ से निकलने वाले पानी की विशेषता ये है कि गर्मियों में ये बिल्कुल ठंडा होता है और सर्दियों के मौसम में गुनगुना होता है और इसका स्वाद बेहद मीठा होता है। बिल्कुल आप इसको आरओ वाटर से कंपेयर कर सकते हैं। अगली प्रस्तुति में मैं आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र में पाई जाने वाली पंचक्की यानी वाटर मिल। तो दोस्तों, अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और आपके दिल तक मेरी ये प्रस्तुति पहुंची है तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। अपने विचार और सुझाव मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अवगत जरूर करें। तब तक अगली वीडियो के लिए मुझे यानी संजय डबराल को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।